अगर उसको बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, 18.85 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, बहुत ही स्लाइट मूवमेंट आ रही है लगातार। सवाल हमारे सामने ये है आलोक इंडस्ट्रीज में, क्योंकि लगातार मार्केट में भी एक ठीक ठाक मूवमेंट बनी हुई है, एक रिकवरी वाला मूड बाजार में भी देखने को मिल रहा है हमें। बट इसी बीच देखिए कोविड का जो डर है वो भी बढ़ता जा रहा है, नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं कोरोना वायरस के, और वैक्सीनेशन के वर्ज पर हम खत्म हो चुके हैं, लगभग गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है हमारे सामने। तो आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में जो एक तो सीजनल नहीं है, क्योंकि कोविड के समय पे जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि मेडिकल सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा, आईटी में भी ठीक ठाक मूवमेंट बनी हुई है लगातार, और फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय पर ग्रो करने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे में क्या आलोक इंडस्ट्रीज को बेच देना चाहिए, क्योंकि 20 रुपए का स्टॉक है, अगर आप 20 रुपए में बाएंगे 21 रुपए में बाएंगे लॉस है आपके सामने। बट बहुत जो सवाल है वो ये है कि यहाँ से भी निकल जाते हैं अगर हम, तो कम से कम इससे ज्यादा अगर गिरावट होगी तो लॉस हमारा नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि अभी फार्मा में पैसा लगा करके या मेटल में पैसा लगा करके लॉस रिकवर करवाया जा सकता है या नहीं, तो यही है सवाल हमारा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या बेचना एक सही स्ट्रेटजी हो सकती है, भले ही आपके सामने एक अच्छा स्टॉक रखा हो और वहां पर आप पैसा बनाने की उम्मीद कर रहे हो तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बात आलोक इंडस्ट्रीज की करें। सबसे पहले इसके अगर आप चार्ट पे नजर डालो तो चार्ट हमारा बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है, एक अच्छी रैली आई थी उसके बाद लगातार गिरावट है यहाँ पर। गिरावट का जो कारण है वो हमें पता है, क्वार्टरली रिजल्ट आया था, बहुत बुरा नहीं था, फिर भी यहाँ पर क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया गया उसको, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखो तो गिरावट के बाद जो प्रॉब्लम हुई है वो ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, आलोक इंडस्ट्री जैसा डिस्ट्रेस स्टॉक है हमारा, और उसी हिसाब से गिरावट भी लगातार बनी हुई है। एक तो वॉल्यूम बहुत कम है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से आप इसके अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो बहुत ही शैडो कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम है, मूवमेंट बहुत कम है यहाँ पर, खरीदारी जितनी होती है उतनी बिकवाली होती है, तो शैडो कैंडल यहाँ पर आ जाती है बस, ठीक है। और ऐसे बाजार में जब आपको रिकवरी चाहिए होती है स्टॉक में और इस तरह की कैंडल्स आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस जो है वो डगमगाता हुआ देखने को मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत नए इन्वेस्टर हैं उनको ही लगेगा ऐसा, जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो भी सोच सकते हैं, डबल थिंक कर सकते हैं अपने डिसीजन को कि करना क्या है यार, लगातार यहाँ पर दबाव में है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में बहुत गिरावट है कोविड को लेकर के, बट हाँ एक प्रॉब्लम जो मार्केट ने क्रिएट की है समय पर, या फिर यूं कहें कि मार्केट खुद उस प्रेशर में है, वो है कोविड की सिचुएशन। कोविड देखो लगातार अपने नए नए म्यूटेंट बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोरोना वायरस की जो स्थिति है हमारी वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए देखने को मिल रही है, पिछली बार से ज्यादा डेडली वायरस है हमारा इस समय का, और कंट्रोल में नहीं हो रहा है। पिछली बार तो एक मास्क लगाने से काम चल रहा था हमारा, इस बार तो WHO ने कहा 2 मास्क लगाओ, वैक्सीन थी हमारे पास तो फिर उदान कर दी गई है सारी, अब हमारे पास कदम भूखे मर रहे हैं, वैक्सीनेशन का भी काम हमारा ठप पड़ा हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी कहीं ना कहीं फेल होती हुई देखने को मिल रही है, और यही एक बड़ा कारण है जिससे कि लोग जो है वो डर में है। एक नया आपको अगर सुनाई भी आया हो तो उस वायरस के बारे में भी, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है कोविड की वजह से, और वो आंखों का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, उसमें आंखों के ऊपर काफी हर्ट किया जा रहा है आंखों को उस इन्फेक्शन के थ्रू। तो फंगल इन्फेक्शन वाला जो डेडली म्यूटेंट है उसके बारे में आप जाकर नेट पर और पढ़ सकते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में, बट हाँ डर का माहौल इस समय पर बाजार में है, और बाजार हमारा सेगमेंटेड ग्रोथ में है, इसीलिए मेटल सेक्टर ग्रोथ में है, फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में हालांकि दबाव है थोड़ा सा, बट कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी रैली आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सभी स्टॉक्स में, ऑल द वे आलोक इंडस्ट्री जो ट्राइडेंट हो, वर्धमान हो, लगभग स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी होती है कि गिरावट किसकी वजह से, पहला रीजन यही है कि मार्केट में गिरावट है, इस वजह से गिरावट है आलोक इंडस्ट्रीज में भी। और दूसरी चीज अगर आपको ये देखना है कि स्टॉक कितना बेनिफिशियल है, देखो यार फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आप कंपनी की देखोगे तो कंपनी ने लगातार पिछले लॉकडाउन से अब इस वाले लॉकडाउन तक में एक अच्छा रिकवरी दिखाई है रेवेन्यू जनरेशन में, 373 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 822 करोड़, उसके बाद 1220 करोड़, एंड देन 1478 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, 69 करोड़ का लॉस था, फिर 20 करोड़ का लॉस मिनिमाइज हुआ, फिर 139 करोड़ का प्रॉफिट, एंड इस बार 148 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। जो प्रॉब्लम हुई है इस बार वो ये कि जिसकी वजह से डर लगा है लोगों को, वो ये है कि नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, पिछली बार सिर्फ 35 करोड़ का लॉस था हमारा, इस बार जो लॉस है वो 500 करोड़ का लॉस है,
प्रॉब्लम यहीं पर हुई है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं कंपनी के डेट रेट करते हुए देखने को मिली है और इसीलिए लोग अपना डिसीजन जो है वो डबल थिंक कर रहे हैं। अब करना क्या है, देखो स्टॉक तो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था रिकवरिंग स्टॉक है और रिकवरिंग स्टॉक में इस तरह के नंबर सामने आते ही हैं। अब अगली अगर ना उसकी बात करें, जैसा बहुत जो व्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि बेच देना कैसा रहेगा, देखो बेचना एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बेच के अगर आप दूसरे स्टॉक में लगाते हो तो, और अच्छे स्टॉक में, यानी कि अगर मेटल सेक्टर में जाना है तो सेल में लगा सकते हो, नालको में लगा सकते हो, टाटा स्टील में लगा सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील में लगा सकते हो, या किसी और सेक्टर में जाना है तो वहां पर आप अपना चूज कर सकते हो। बट अगर आप दूसरा स्टॉक चूज करते हो तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप इसमें इस स्टॉक में 10% का लॉस लेकर के जा रहे हो तो वहां पर आपको वो रिकवर हो सके विद इन अ मंथ, 2 or 3 months में वो रिकवर हो सके, 1 साल भी लगाए बट वो आपका लॉस रिकवर करके आपको 10-20% का प्रॉफिट दे, तब तो बेचना यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है तो स्टे करना ही एक अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए, ठीक है। मार्केट हमारा भले ही गिरावट में है बट मार्केट में रिकवरी आएगी, और लोग गिरावट का एक सोल पर्पज सोल रीजन था वो यही था कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन से बिलो एक्सपेक्टेशन आया, जो लॉस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस बार वो रिकवर करेगी कंपनी, ऐसा हो जाता है जब ट्रांसफॉर्मेशन में चल रही होती है, अभी रिलायंस ने एक्वायर किया इस और ट्रांसफॉर्मेशन में जब चल रही होती है, कॉस्ट कटिंग का काम चल रहा होता है तो कंपनी को कोशिश करनी होती है, टाइम लगता है उन चीजों में, और यही एक बड़ा कारण है कि जो उसमें लॉस हुआ है। बाकी इंटरनली अगर हम देखें तो फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप रुक सकते हो तो रुको, एंड वैसे भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि नॉट मोर देन 5% इसमें मत लगाओ, ठीक है, 5% ज्यादा पैसा या 10% मैक्स टू मैक्स 10% से ज्यादा पैसा इस स्टॉक में नहीं लगाना है। तो ये अगर आपने कर रखा है तो स्टे करो, मेरी मानो तो 10% अगर आपने पैसा लगा रखा है फिर टोटल कैपिटल, तो स्टे करना ही एक अच्छी डिसीजन हो सकता है आपके सामने। एक चीज आपको ये भी देखना होगा कि FII ने अपना पैसा लगाया इसमें मार्च क्वार्टर में, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था इस स्टॉक में, क्योंकि रिकवरिंग कंपनी है हमारी, जैसा मैंने पहले भी कहा था रिकवरी में है और ऐसे ही में ही फायदा रहता है आपको। तो अगर आपने बाय कर रखा है तो साल भर रुको, कम से कम 10% ही पैसा लगा हुआ है तो निकलने की इतनी जल्दीबाजी मत दिखाओ, स्टे करो, स्टे करते हो तो अच्छा प्रॉफिट कमा करके जाओगे, ऐसा नहीं है कि धोखा देगा आपको स्टॉक, तो ये तो है। बाकी अगर FII की बात करें तो FII ने खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया है, कल की बात करें 6 मई की तो यहाँ पर FII ने 1200 करोड़ का माल उठाया था, हालांकि DII ने 632 करोड़ का माल बेचा भी था, बट वो चलता रहता है, कभी DII खरीदारी करते हैं FII खरीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट न्यूट्रल जोन में भी है तो भी एक अच्छा डिसीजन है हमारे सामने। बात को सपोर्ट पॉइंट की करें तो 18.20 रुपए का हमारा एक सपोर्ट बनता है यहाँ पर, इससे नीचे जाने की उम्मीद स्टॉक में नहीं है, और जल्दी ही यहाँ पर एक अच्छी रैली की भी उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा MACD अब न्यूट्रल जोन में जा रहा है और सून टू बी बेरिश मोमेंटम, तो वो जल्दी ही होने वाला है हमारा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट आलू की इंडस्ट्री में अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अपर साइड में हमारा जो पहला टारगेट है 20 रुपए 10 पैसे का टारगेट है, और ये लेकर के चलो, स्टे करो, पेशेंस रखो, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, खरीदारी नहीं करना इस स्टॉक में, बने रहो, होल्ड करते हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट कमा करके जाओगे इस स्टॉक से। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट में शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर आपको कुछ पूछना है तो, हम सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, थैंक यू।